वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य राय कपूर दिखने वाले हैं एक ही फिल्म में, और वो फिल्म है कलंक। जी हां दोस्तों, करण जौहर ने अपनी आगामी फिल्म कलंक की अनाउंसमेंट कर दी है, जो 19 अप्रैल 2019 को आएगी। ये एक मल्टी स्टारर मूवी है जो आपको 1940 के समय की याद दिलाएगी। पहले इस फिल्म का नाम सिद्धत बताया जा रहा था, लेकिन करण जौहर ने इसे खारिज कर दिया और अब फिल्म का नाम कलंक रखा गया है। साथ ही 15 साल पहले करण जौहर और उनके पिता यश जौहर ने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया था और ये फिल्म अब बनेगी। साथ ही इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित दिखने वाले हैं, जो कंट्रोवर्सी के कारण फिलहाल तो एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। और इस फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट भी दिखने वाले हैं, जिनकी ये एक साथ चौथी मूवी होगी। इससे पहले वरुण, आलिया हमें बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दिख चुके हैं। साथ ही फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा भी होगी और आदित्य राय कपूर किसी फिल्म में काफी दिनों बाद दिखेंगे। 19 अप्रैल 2019 को कलंक आ रही है और फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक वर्मन होंगे, जिन्होंने इससे पहले टू स्टेटस डायरेक्ट की थी। फिल्म के सारे स्टार इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है। साथ ही ये फिल्म करण जौहर का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस फिल्म का बजट भी काफी लंबा जाने वाला है, तो जल्दी फिल्म पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और आप इस मल्टी स्टारर मूवी के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।